उत्तर पश्चिम रेलवे ने बड़ी सफलता हासिल की। आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक विजय शर्मा के नेतृत्व में आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के साथ ही तीव्र संरक्षित और सुगम रेलवे परिवहन पर विशेष बल दिया जा रहा है। संरक्षित और तीव्र रेल संचालन की ओर से किए जा रहे प्रयासों के तहत अजमेर मंडल के पालनपुर मदार रेलखंड पर हाई रीच ओएचई रेलखंड में भारतीय रेलवे पर पहली बार इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से आरडीएसओ और रेलवे की टीम द्वारा 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीओसीआर का सफल परीक्षण किया। 24 डिब्बे वाले स्पेशल ट्रेन परीक्षण में मदार पालनपुर रेलखंड की 366 किलोमीटर दूरी 3 घंटे 23 मिनट में पूरी की और इस गाड़ी की औसत गति 107 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इस दौरान अधिकतम गति 135 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई। तो 24 डिब्बे वाली स्पेशल ट्रेन है जो कि जिसने 23 मिनट में अपनी दूरी पूरी कर ली। उत्तर पश्चिम रेलवे को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा सुगम संरक्षित एवं तीव्र रेल संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए दिनांक 24 और 25 जून को आरडीएसओ की टीम के द्वारा ऑसिलेटरी कार के द्वारा 130 किमीएच पर मदार से पालनपुर खंड का सफल परीक्षण किया गया है। हमारे महाप्रबंधक श्री विजय शर्मा के नेतृत्व में न सिर्फ आधारभूत ढांचे पर विशेष जोर दिया जा रहा है बल्कि तीव्र संचालन भी एक बहुत बड़ा मिशन एरिया है और इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप इस खंड पर आरडीएसओ की टीम द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। और चलिए